स्टूडेंट्स, एसएसडीएन प्रोजेक्ट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो कटिंग टूल देखने वाले हैं उसका नाम है फार्मर चीजल, और इसका उपयोग वुड में कटिंग करने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं इस टूल का उपयोग कैसे किया जाता है। इस पर कटिंग एज है, जो ये कटिंग एज है, ये इस साइड फ्लैट, एक साइड ये बेवल एज होती है, आप देख रहे होंगे बेवल, दूसरी तरफ फ्लैट। इस वाले भाग को हम बॉडी या बक टैंक कहलाता है, ये शोल्डर कहलाता है, और टैंक में आपका हैंडल लगा होता है, इसे बोलते हैं फॉर्मल चीजल। इसी प्रकार दूसरा टूल से सेम वैसे ही है, सिर्फ अंतर इस पर यह है कि इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और एक टेपर में होते हुए मोटाई आगे बढ़ती है, इसे बोलते हैं मोटाइज चीजल। इस पर भी कटिंग एज होती है, बेवल एज होती है, दूसरा वाला साइड फ्लैट होता है, इसे ब्लेड बोलते हैं, हैंडल है। मैं आपको फॉर्मल चीजल का यूज़ बताता हूँ। फॉर्मल चीजल का यूज़ है इनसाइड या अंदरूनी भाग की फिनिशिंग देने के लिए। अंदरूनी भाग कैसा, वो मैं आपको वुड में करते हुए बताता हूँ। ये फॉर्मल चीजल का यूज़ देखिएगा आप, ये वुड है, ये वो जो आपको इस पर कैसे यूज़ करते हैं। उस पहले मैं इस पर एक मार्क करता हूँ, मार्क करता हूँ जो भी आप साइज में हो, ये हमने मार्क किया और सपोज इतना ये, और इसके मोटाई पे लगभग इतना कट गहराई में मुझे ये ग्रुप। इसी प्रकार यहाँ पर भी इस मटेरियल को रिमूव करना है, इस वाले मटेरियल को जो मार्किंग के अंदर पर है इसको हमें ये रिमूव करना है। ये कैसे होता है, उसके लिए हम फॉर्मल चीजल का यूज़ करते हैं। देखिए वाइस में हम इसको ऐसा होल्ड करते हैं, इस प्रकार होल्ड करने के बाद हमें सॉ की ज़रूरत पड़ेगी, ये इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इस पर मार्किंग पर जहाँ तक हमको गहराई रखनी है वहाँ तक कटिंग करते हैं। सेकंड, ये कट हो गया है, सेकंड देखिए ये कटिंग हो गई है। ये पहला लाइन आपको ड्रॉ दिख रही है, ये डेप्थ में है,
देखिए अच्छे से, अब हम इसे इस प्रकार रखेंगे। मैलेट हैमर और चीजल को ये फ्लैट वाला भाग हम अंदर तरफ और टेपर वाला भाग बाहर तरफ को रखेंगे। और लाइटली यानी थोड़ा थोड़ा मटेरियल को हम इस प्रकार से कटिंग होगी। देखिएगा ये आधा कट चुका है, इसी तरह फिनिश कर रहा हूँ। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये ग्रुप कट गया। देखिए बोल बहुत फिनिशिंग के साथ में है। ये देखिए ये फॉर्मल चीज़ से इनसाइड कटिंग की जाती है।